ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब उज्जैन की दानी गेट मस्जिद में भी शिवलिंग होने का दावा किया गया है। यहां के महामंडलेश्वर हैं अतुलेशानंद। उनका यह दावा है कि मस्जिद के अंदर सनातन सभ्यता से जुड़े तमाम अवशेष बरामद हुए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कभी यह मस्जिद मंदिर थी। महामंडलेश्वर अतुलेशानंद का यह दावा है कि कुछ सदियों पहले मुगल शासकों ने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया था और जबरन वहां पर मूर्ति पूजा पूरी तरह से बैन कर दी थी और उस परिदृश्य में उस मंदिर को मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया था। उनका दावा है कि साल 1026 में यहां पर राजा भोज का राज था। वो महान शिव भक्त थे और उन्होंने अपनी शिव भक्ति में लीन होकर एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया और वहां पर एक भव्य शिवलिंग भी बनाया। लेकिन साल 1600 के आते आते वहां पर मुगल शासकों का कब्जा हो गया और उन्होंने इस मंदिर को तोड़वाकर वहां पर ये मस्जिद बना दी। उन्होंने कहा कि इसलिए ही इस मस्जिद को बिना नींव की मस्जिद के तौर पर जाना जाता है। महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने यह भी दावा किया कि साल 2007 में वो इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे और जब वहां पर उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें सनातन सभ्यता से जुड़े तमाम अवशेष भी बरामद हुए। अब उन्होंने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपना खोया हुआ मंदिर वापस लेकर रहेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, लेकिन इस मस्जिद को तोड़वाकर वो अपना खोया हुआ मंदिर वापस लेकर रहेंगे। ऐसा दावा है उज्जैन के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद का। अब यह सर्वविदित है कि पिछले कई दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इसमें सुनवाई भी चल रही है। इस बीच जब बीते रोज इन महामंडलेश्वर ने दानी गेट मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा किया तो यह देश की एक बड़ी हेडलाइन भी बन गई।